कभी कभी क्या होता है कि कोई फाइल जैसे हम डाउनलोड करते हैं, जैसे किसी ने व्हाट्सएप से भेज रखा है कोई इमेज, या कहीं नेट से हमने डाउनलोड किया, अगर उसको हम फोटोशॉप में लेके जाते हैं ना, तो फोटोशॉप में ओपन ही नहीं होता। उस कंडीशन में क्या करें, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे एक ये माउस की फोटो है, इसको मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें देखिए फोटोशॉप में ड्रैग करके इधर लेके चलता हूँ ये, ठीक है, लेकिन आपको डॉट ओपन, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, अब क्या करेंगे, यहीं जा करके इसी पर राइट क्लिक कर देंगे, यानी डायरेक्ट इसी इमेज पे जा करके राइट क्लिक कर देंगे, और यहाँ लिखा हुआ एडिट, यहाँ एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ये पेंट ब्रश में ये जो है ओपन हो जाता है अपने आप, ठीक है, पेंट ब्रश में ये ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, पेंट ब्रश में ओपन होने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे, ये देख रहे हैं, तो यहाँ लिखा सेव एज, सेव एज जा करके यहाँ पे जेपीजी कर दीजिए, या कोई भी फॉर्मेट में कर दीजिए आप जेपीजी, और यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हैं या यही रहने देते हैं, इसको हम ओके करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब जो है यही सेम फाइल, अब जो हमने दोबारा सेव किया था उसी को अब ये यहाँ आ गई फाइल, इसको हम ड्रैग करके यहाँ लेके आते हैं, ये अपने आप आ गया झट से, ठीक है ना, आ गया। इसमें जो भी करना है, बैकग्राउंड हटाना या कुछ भी करना हो या कोई इफेक्ट देना है, आप यहाँ से दे सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे कभी फोटोशॉप में ओपन नहीं हो रही है, तो इसका यही एक तरीका होता है कि डायरेक्ट आप जाइए उस पर राइट क्लिक करके एडिट पे जाइए, वो पेंट ब्रश में ओपन होता है, वहां से जेपीजी या पीएनजी आप फॉर्मेट में आप चेंज कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे लाके ओपन कर लीजिए। अक्सर ये देखा जाता है, ये प्रॉब्लम आती है अगर कोई व्हाट्सएप पे कोई इमेज भेजता है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।